नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोलमेज मिरर, हर पल आपके साथ। उत्साह का माहौल है, जैसे यहाँ के लोगों को ये मालूम हुआ कि 2 दिसंबर को गुरु श्री रविशंकर जी भी आने वाले हैं यहाँ पे, लोगों में खलचल सी बेचैनियां पैदा हो गई और लोग अब उनका वेट कर रहे हैं कि कब 2 दिसंबर आए। आज हम लोग उनके आश्रम में हैं, उनके कार्यकर्ता के साथ हैं, आइए जानते हैं कि वो यहाँ पे आके किस किस्म का प्रोग्राम करने वाले हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो लोग इंट्रोडक्शन दें। मैं पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं इस वक्त राउरकेला स्टील प्लांट में डिप्टी जनरल मैनेजर काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं दुर्गापुर स्टील प्लांट में था, आटो प्लेन का फैकल्टी हूँ। सन 2000 से मैं गुरुदेव के कार्यक्रम से खा रहा हूँ। और आप सूर्यजीत जी हैं जो हमारे वरिष्ठ के वॉलंटियर हैं और बहुत सारे सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। आप अमित चंद्र जी हैं, ये आटो प्लेन के फुल टाइम फैकल्टी हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके युवाओं को खासकर एक प्रशिक्षण देते हैं कि कैसे तनाव रहित रहा जाए और कैसे अपने देश के लिए जिम्मेदारी ली जाए। आप रोहन अग्रवाल जी हैं, ये भी आटो प्लेन के वरिष्ठ वॉलंटियर हैं। आप उद्योगपति भी हैं और साथ साथ में सेवा के बहुत सारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आप मनोहर कुमार जी हैं, ये आटो प्लेन के वरिष्ठ शिक्षक हैं, बिजनेसमैन हैं और ये भी पूरे हिंदुस्तान में घूम करके आटो प्लेन का प्रचार प्रसार करते हैं, गुरुदेव के कार्यक्रम में प्रचार प्रसार करते हैं। आप पी के सिंह जी हैं, उद्योगपति हैं और साथ में जीवन जीने की कला, कैसे खुश रहा जाए, स्वस्थ रहा जाए और उस खुशी को कैसे हम सचार कर पा सकें। आज आप देखें तो एक छोटा बच्चा दिन में 400 बार मुस्कुराता है, वही बच्चा जब टीनेजर हो जाता है दिन में 70 बार मुस्कान कर जाता है, और वही जब बड़ा हो जाता है, प्राउड हो जाता है तो मुस्कुराना ही, तो कैसे उस मुस्कान को वापस लाया जाए, कैसे तनाव को हम आसानी से अपने जीवन से दूर रख सकते हैं और खुशी खुशी जीवन को स्वस्थ रूप से बिता सकते, यही जीवन। 2 दिसंबर को क्या प्रोग्राम करने वाले हैं? 2 दिसंबर को गुरुदेव इस अंचल में आ रहे हैं साउथ बंगाल में, तो ये बड़ी खुशहर्ष की बात है। तो 2 प्रोग्राम होंगे, आसनसोल में महारुद्राभिषेक होगा 11:00 बजे और उसके बाद गुरुदेव अपने इस आश्रम में आएंगे जो आटोमेटिक आश्रम है, और यहाँ वो महासत्संग का आयोजन होगा जो निःशुल्क है, जिसमें गान, ज्ञान और ध्यान होगा। गुरुदेव ध्यान भी करवाएंगे, सबको आशीर्वाद भी देंगे और साथ ही साथ वो इस नए हॉल का इनोग्रेशन करेंगे। नारायण हॉल में एक किचन बन रहा है उनके आश्रम, उसका इनोग्रेशन करेंगे और पंचकर्मा सेंटर का गुरुदेव इनोग्रेशन। पूरे पश्चिम बंगाल से बाहर आए हैं, इसके अलावा झारखंड से लोग आ रहे हैं, उड़ीसा से लोग आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, यूपी और बिहार से भी आ रहे हैं, तो काफ़ी जगह से ये एक दिन का ही आसनसोल में सुबह और शाम के वक्त उनसे कुछ लोग मिलना चाहते तो मिल पाएंगे। गुरुदेव तो कहते हैं कि वो लाखों की संख्या में 1-to-1 ही सबसे बात करते हैं, तो गुरुदेव आ रहे हैं, सबसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो गुरुदेव रहेंगे, आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं उनसे। कितने दिनों बाद आ रहे हैं गुरुदेव? 2015 में आए थे 18 दिसंबर को, जब उन्होंने इस आश्रम को इनोग्रेट किया था, तो उसके बाद 4 साल के बाद लोगों के लिए क्या मैसेज? लोगों के लिए हमारा यही मैसेज रहेगा कि आप आइए। जैसे हमने सुना था कि सत्पुरुष हुए हैं गुरु, विवेकानंद हुए पर हमने देखा, गुरु नानक देव जी हुए पर हमने देखा, बुद्ध हुए हमने देखा, अभी मौका है एनलाइटेड मास्टर के साथ समय बिताने का, उनके प्रेजेंस से काम हो जाए। आज गुरुदेव पूरे विश्व में 155 से अधिक देशों में उनका प्रभाव फैला है और कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गुरुदेव जाते हैं। अयोध्या मामले में भी किया, कोलंबिया में 50 सालों से ग्रह युद्ध चल रहा था जिसको गुरुदेव ने मिटाया था, वेनेजुएला में भी मध्यस्थता कर रहे हैं, इराक में काम हो रहा है, सीरिया में, जहाँ भी समस्या है गुरुदेव वहाँ जाते हैं। ये हम सबके लिए एक मौका है कि उनके सानिध्य में बैठ के ध्यान करने का, ज्ञान करने का। और गुरुदेव अक्सर कहते हैं कि आप यहाँ पर समस्याओं को लेके आ सकते हो, लेके वापस नहीं जा सकते, उनके पास ही छोड़ के जाते ताकि हम एक स्वस्थ और आनंदमय जीवन बिता सकें और जिम्मेदारी के साथ।
इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी में हम लोग दौर में देख रहे हैं जो हमारी न्यू जनरेशन है वो डिप्रेशन के वो शिकार हो रहे हैं, सुसाइड भी कर रहे हैं, रेशियो उसको बढ़ रहा है। क्या लगता है अगर लोग आर्टिफिशियल से दूर जाए तो डिप्रेशन पर काबू पाया जा सकता है? बिल्कुल पाया जा सकता है, पाया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम उसको कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को समझें, अपने जो हम युवाओं के जो कोर्स कराते हैं कॉलेजेस में कराते हैं क्या कोर्स कराते हैं उनको हम सुदर्शन क्या सिखाते हैं उसको कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट एंड स्किल्स कोर्स। ये अलग अलग कॉलेजेस में हो रहा है जिसमें हम कैसे जैसे हम कह रहे हैं डिप्रेशन, ये अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि डिप्रेशन कैन बी लार्जेस्ट किलर इन द कमिंग डेकेड। तो बहुत जरूरी है लोगों को डिप्रेशन से बाहर आना है, उनके भीतर वो आत्मविश्वास को पैदा करना जो कि सुदर्शन क्या करने से स्वतः होता है। तनाव रहित होते हैं तो आप पाते हो कि आपके भीतर वो क्षमता है कि आप कुछ भी हंसी खुशी से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है कॉलेजेस में और हम चाहेंगे कि ये अलग अलग साउथ बंगाल के कॉलेजेस में भी और जोर शोर से कार्यक्रम हो ताकि हमारे बच्चे इससे निकल करके अपने उन्नत भविष्य के लिए बना कर सकें। और रिसर्च भी हो रहा है इसको सुदर्शन क्रिया के ऊपर, जैसे करने से व्यक्ति तनाव रहित होता है, डिप्रेशन भी होता है, ऑक्सीटोसिन और जो गर्मी के जिंदगी में खुशहाली है। सर आप तो वेल नोन बिजनेसमैन हो, आपको कब समझ में आया कि आप मेरी जो है मेरी मर्जी? एक समय था जब लगता था कि जीवन में सिर्फ भाग रहा था, सुबह जब शुरू करता था बस काम पर निकलता था, भागता था, पैसे कमा रहा था पर कुछ ही नहीं लग रही। जिस दिन इसमें आया और सुदर्शन क्रिया का अनुभव हुआ तो समझ में आया कि आप मिस कर रहा था। उसके बाद कई लोगों को कराया, कई लोगों को एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उनके एक्सपीरियंसेस सुने, वो समझ में आया कि जीवन में ये जो भीतर की खुशी है वो सिर्फ किसी रास्ते पर आने से मिलती है। आप सारे काम करो, व्यस्त रहो वो ज़रूरी है, आपका कर्म वो ज़रूरी है, पर जब आप अंदर चले जाते हो उसके भीतर जाके जब वो एक शांति जो मिलती है वो इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता, वो एक खुशी अंदर से निकल कर आती है। आपने कहा ना बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे वजह से भी एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें आप चाहे आप शेयर करें वो लोग इंस्पायर हो और लोग उनसे जुड़े। एक्सपीरियंस से मेरा मतलब ये है कि मेरी जो एफिशिएंसी थी, जो काम मुझे लगता था पहले मैं 4 दिनों में कर रहा हूँ, 5 दिनों में कर रहा हूँ, मतलब 1 दिन में होने लगा, 2 दिन में होने लगा, एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ गई। जो नींद की ज़रूरत ज़्यादा लगती थी वो काफ़ी कम लगने लग गई, उसके बावजूद भी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगने लगी। तो ये तो एक्सपीरियंस है जो हम सबको हुआ है जीवन में, बाकी पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी होते हैं तो आए दिन होते रहते हैं, बट ये है कि हर किसी के साथ होगा, हर इंसान चाहे कोई भी पेशे में हर किसी को आज एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जो हमें महसूस होता है शाम होते होते शायद हमें लगता है कि हम कहीं को डल होते जा रहे हैं, उम्र बढ़ते बढ़ते डल होते जा रहे हैं, यहाँ पूरा उल्टा होता है। जैसे जैसे आप ज़्यादा अंदर जाते हो इसमें आपकी खुशी, आपकी एनर्जी, आपके जीवन में बलोदार ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा सर, इन दिनों हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बोल रहे हैं बहुत सिविल सोसाइटी हो गए, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन ओल्ड एज ग्रुप का जो तनाव वो भी बढ़ रहा है। लोग जब बड़े हो जब अपने माँ बाप ऊपर से निकाल कर ओल्ड एज होम में पहुँचा दें तो ये पैसा बनता जा रहा है जो आए दिनों में अच्छा हम लोग को नहीं लगता, क्या इस वजह से हम लोग कोई पा सकते हैं? जैसे भैया ने कहा अभी ये जहाँ ये वही हो रहा है जहाँ ज्ञान की थोड़ी कमी, जब आप ज्ञान में थोड़ा आते हो, जब इंसान भी क्या है, इंसान को ये लगता है पहले जब हमारे माँ बाप हमें कुछ कहते थे तो हमें अच्छा लगता था कि हमें बता रहे हैं, अभी लगता है इंटरफेरेंस हो रहा है, तो ये सोच का बदलाव है, ज्ञान की कमी और सोच का बदलाव है। जैसे ही थोड़े लोग ज्ञान में आते हैं तो रियलाइज़ होता है कि जो लोग ऐसा कर चुके हैं उन्हें भी रियलाइज़ होता है कि हम गलत कर रहे हैं। आई थिंक अगर ये कोर्स का एहसास मतलब ज्ञान में आते हैं तो एहसास हो जाता है, खुद से अंदर से वो आवाज़ आती है, क्योंकि जो लोग ये सब कर रहे हैं उन्हें शायद कहीं पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं पर खुद को रोकते नहीं, थोड़ा सा इसमें आते हैं बदलाव आता है, ज़रूर आता है। हमारा यही मैसेज रहेगा कि ये मौका है एक सद्गुरु के सानिध्य में बैठने का, उदय श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में आए, ज्ञान ध्यान और आध्यात्म एक ऐसा अमृत का पान करें कि आपको लगे कि हाँ जीवन में और भी कुछ। मेरा मिशन प्रोग्राम है, आप सब आइए गुरुदेव के सानिध्य में, एक
ऐसे आनंद का अमृत पान कीजिए जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं किया। ये लोकेशन है शिशि रविशंकर जी बेंगवाल आश्रम काजोरा अंडाल में होगा, तो आप सब यहाँ पर आ सकते हैं। जो लोग बाई रोड आएंगे वो काजोरा ब्रिज से काजोरा ग्राम में जाएंगे, वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी और वहाँ से पैदल चल करके इस मैदान में आ सकते हैं। जो बाइक ट्रेन आएंगे, जो ट्रेन आएंगे वो रानीगंज में दुर्गापुर में आसनसोल में उतर करके वहाँ से बस लेकर के आ जाए या काजोरा स्टेशन से आ जाए, तो सबकी व्यवस्था है यहाँ पर। पार्किंग की समुची व्यवस्था रहेगी, एरोज दे करके बोर्ड्स लगेंगे ताकि सब सुचारू। शाम को 3 से 7 बजे तक का प्रोग्राम है यहाँ पर, दो तारीख दो सोमवार। न्यू जनरेशन जो है उनसे जुड़ नहीं पा रहे, उसकी देखा बहुत नहीं जुड़ पाते। उसका कारण है कि अभी जो समय है लोग समझते हैं कि योगा मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी एक टैबू है, ये हमारे लिए नहीं है कि हम जब 40-50 के हो जाएंगे या 60 हो जाएंगे तब हम किसी आश्रम में जाके करेंगे, तो आर्टिस्ट लिविंग ऐसा नहीं है। हमारा जो कोर्स है IITs में भी होती है, IIMs में भी होती है और ये रेलिवेंट है, मैंने आज के यूथ को सक्सेसफुल बनने के लिए, अगर वो वस्तु जगत में भी सक्सेसफुल होना चाहता है तो ये कोर्स उसको एक रास्ता देता है फुल तक। जैसे जब मैथमेटिक्स कॉलेज में शुरू किया तो 12th पास होने के बाद लगा किया मैथमेटिक्स लेने के बाद कर दिया, लेकिन जब मैं ये कोर्स किया तो ऑरिजिनली कोई भी बच्चा अगर किताब लेके बैठता है तो 2 घंटा पढ़ता है तो शायद 5-10 मिनट मुश्किल से पढ़ता होगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक ऐसा है कि मुझे MSc और BSc दोनों में 10-10 मिले। और जो रिसेंटली MSc में जो नंबर मिला था वो 12th में वो नंबर उससे भी कम है। तो ये केवल इसके लिए नहीं है कि आप योगा करो, ध्यान करो, थोड़ा खुश हो जाओ, ये आपको लाइफ की जो क्वालिटी है वो मटेरियल का एक स्पिरिचुअलिटी वो आपको তো আমি নিজে চাকরি আসার জন্য কোল্ড আমি প্র্যাকটিস করি, ওগুলো বুঝতে করছি না। তারপর আমি যখন বলছি এটা করলাম, এটা করার পর থেকে আমার সমস্ত রকম সব যা প্রবলেম আর তখন থেকে মনে হলো যে সবার কাছে পৌঁছানো দরকার। এবং আমরা এমন যে দেখি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি ছেলে ও গ্রাম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, তো যখন প্রথম কোর্স করতে এলো তো বেশি অবস্থা ছিল, ওটা রেসিডেন্সিয়াল কোর্স ছিল, ও কোর্সটা করলো ও ডেডলাইন কেন তৈরি, তো কতক্ষণ দিন তোকে আটকাটা রাখতে বসতি, তারপরে যখন সুদর্শন ক্রিয়া করলো করার পর থেকে দেখলাম ওর মধ্যে পরিবর্তন হলো। আগে ও খেতে গেলে হাতটা কাম করে উঠে জায়গায় সাইডে হাত দিত, 2 দিন পর থেকে দেখা গেল ওটা লাস্টে যখন কোর্সের শেষের দিনে ও কাঁদতে লেগেছে কি আমি এতদিন আমার বাবা মাকে কষ্ট দিয়েছি, আমার বাবা ভাই একই ছিলেন, আমার জন্য ওরা চিন্তিত ছিল, কিন্তু এখন আমি ঠিক করেছি আমি তো আর খাবই না, যারা এই রাস্তায় রয়েছে তাদেরকে উল্টে আমি এই কোর্স করিয়ে যাতে তারা সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে সেই জায়গায় আমরা যাই। তা আমরা দেখেছি আমরা বেশিরভাগ আমি গ্রাম উন্নয়নের কাজ করেছি, সবার মধ্যে একটা কথা শুনেছি ইউথ আমি সুইসাইড করতে যাচ্ছিলাম, এটা কেন কয়েকদিন আগে পাইনি তাহলে আমি সুইসাইড করতে গিয়ে কেন আর কোনো দিন যাবো না। তো মানুষের মনে যে একটা বেজ জমি থাকে, টাকা পয়সা এর সঙ্গে বড় কথা নয়, তারপরে একটা মানসিক শান্তি যেটা এখন আমাদের বেশি দরকার। এই কোর্সটা করে আমরা দেখেছি কোর্সটা করার পরে ইউথদের মধ্যে এবং বিশেষ করে ইউথদের মধ্যে কোর্সের সিস্টেম আছে, এটা যোগা প্রাণায়াম শেখানো হয়, তার সাথে একটা শ্বাসের প্রক্রিয়া শেখানো হয়, দ্যাট ইজ কল সুদর্শন। কারণ মেডিকেল সায়েন্স বলছে আমাদের শরীরে যত টক্সিন জমছে তার 80-90% শ্বাসের মাধ্যমে বাইরে আসে, এবং এটাও মেডিকেল সায়েন্স বলছে আমাদের লাংসের যা ক্যাপাসিটি তার 30-40% আমরা ব্যবহার করি, বাকি আমরা লাংসকে কাজে লাগাতে পারি না, তাহলে কী হচ্ছে টক্সিনসটা বেরোচ্ছে না আর আমরা অক্সিজেনও ঠিক মতো পাচ্ছি না। এইটা যখন আমরা সুদর্শন ক্রিয়া করছি এটা আমাদের ওই সিস্টেমটাকে
इम्यूनिटी पावर बाढ़ दीचे लांगस कैपासिटी बाढ़ दीचे और सुदर्शन क्या श्वास एक प्रक्रिया শ্বাসের টেকনিক এটা কীভাবে শ্বাসটা নিতে পারে এটা দেওয়া সেইভাবে এটা শেখানো হয়, তারপর তারা বাড়িতে গিয়ে এটা অভ্যাস করে। তো এই কোর্স চলাকালীনই এটা যেটা ইউথদের জন্য হয় রেসিডেন্সিয়াল কোর্স, যারা ইউথ জেনারেল তাদের জন্য 7-8 বছরের একটা কোর্স হয়। এটার ওখানে রেজিস্ট্রেশন ফি নেওয়া হয়, কারণ আমরা 18 দিনে প্রচুর সেবা কাজ করি। যেমন আমাদের পশ্চিমবাংলায় 35টা ফ্রি স্কুল হচ্ছে, যেখানে বাচ্চাদেরকে টিফিন থেকে আরম্ভ করে বই খাতা সমস্ত কিছু দেওয়া হয়। তারপর বিভিন্ন রকম যখন কোথাও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হচ্ছে সেখানেও গিয়ে আমরা সহযোগিতা করি। তো এইগুলোর জন্য তো পয়সা দরকার, আমরা কারোর কাছে এরকম চাঁদা তুলি না বা কিছু করি না, আমরা কোর্সের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ফিয়ের মাধ্যমে জেনারেট করি এবং সেইগুলোকে এইসব সেবামূলক কাজে আমরা ব্যবহার করছি। রেজিস্ট্রেশন ফি যেমন যেগুলো রেসিডেন্সিয়াল কোর্স আর একটা ফিজ আছে, গ্রামে যারা দিতে পারবে না তাদের জন্য মিনিমাম ফিজ দিতে হবে, কারণ আমরা একটা গ্রামে কিছু কাজ করাই যেখানে শিবির করানো হয় সেখানেও কোনো পয়সা নেওয়া হয় না, বাচ্চাদেরকে কিছু শেখানো হয় সেখানেও পয়সা নেওয়া হয়, কিন্তু পয়সাও দরকার। সেই জন্য যেখানে যারা অ্যাফোর্ড করতে পারবে সেই সব জায়গায় আমরা কখন থেকে যুক্ত আছেন? আমি 2012 থেকে জুড়ে আছি, 2012 থেকে জুড়ে আছি এবং গুরুজির সান্নিধ্যে তো অনেক কিছুই আমরা পাই। হ্যাঁ, আজও আমাদের সেইভাবেই কাজ করতে পেরে আমাদের খুব খুশি হচ্ছে। আমরা এই সব দিদিরা এসেছি বিধাননগর থেকে, আমরা সবাই বিধাননগর সব ও দাদাই আমাদেরকে নিয়ে এসেছেন। গুরুজির কিছু সন্দেশ আছে? চাইছেন আমাদের সমস্ত সমাজটাই করতে, তো সেটা আমরাও চাইছি যে সমস্ত ছেলে মেয়ে একসাথে ভালোবেসে থাকবে, একসঙ্গে থাকবে, সকলে মিলেমিশে থাকবে, সেটা আমরাও চাইছি গুরুজির জন্য এবং সেটাকে আমরা করার চেষ্টা করছি। উমা ভট্টাচার্য, আর ওয়ার্ল্ডের প্রত্যেকটি কান্ট্রিতে আমাদের আর্ট অফ লিভিং সেন্টার রয়েছে, সেখানে প্রত্যেক জায়গাতে আমাদের কাজ হচ্ছে। এটা আর্ট অফ লিভিং কি আছে? আর্ট অফ লিভিং হচ্ছে জীবন জিনে কি কালা কালা, এটা মানে হচ্ছে আমরা কীভাবে নিজেদের জীবনটাকে চালাবো। আমরা তো অনেক রকমভাবে চালাতে পারি, এটা চালানোর জন্য প্রসেস আমাদের বিভিন্ন শেখানো হয় এবং আমরা কীভাবে মনকে শান্ত রেখে কাজ করতে পারবো এটা সব থেকে বড় ব্যাপার। মেডিটেশন যোগা সব কিছুই আছে তার মধ্যে দিয়ে আমাদের এটা কেমন লাগছে এখানে আপনি খুব ভালো লাগছে। গুরুজি আসছেন মানে আমাদের কাছে বিরাট একটা আনন্দের বিষয়। এটা কি না ব্রিদিং টেকনিক, আমাদের এটা করে আমাদের একদম লাইফটাই বদলে গেছে মনে হয়। আমি 2012 থেকে জুড়ে আছি, তবে বিভিন্ন ধরনের এক্সপিরিয়েন্স আমার হয়েছে। লাস্ট ইয়ার যখন গুরুজি এসেছিলেন তখন তো সেবা দিই, প্রথমে তো যেমন লোকেদের দেখছি সেরকম মনে হতো যে সেবা কি করে দিতে পারবো,
তো যখন অন্য ছেলে মেয়েদের দেখতাম সেবা করছে, তখন মনে হতো যে কীভাবে এগোতে পারবো। তো গুরুজি যদি আমরা যদি মন থেকে 10% চাই, তো গুরুজি 100% সেটা পুরো করে দেন। হ্যাঁ, এটা আমাদের বিশ্বাস। তবে যখন মনে হলো যে আমরা কীভাবে কাজ করবো, 2012 কথা বলছি, 13-তে এসে দেখতাম যে হ্যাঁ কিছুটা হলে এগোনো গেছে। যখন লাস্টে যখন গুরুজি এসেছিলেন, তখন গুরুজিকে আমরা নিজের হাতে খাবার বানিয়ে খাইছিলাম। এবার গুরুজির সঙ্গে থাকা, গুরুজির সঙ্গে বসে আমরা ওইখানে বসে আমরা পুরো করেছিলাম, মানে এটা যেহেতু আমি আমার মনের ইচ্ছে ছিল, সেটাকে আমার 100% পুরো হয়ে গেছে। আমারও মানে যেটা মনে হয় মানে যেটা আমি চাই সেটা আমাদের হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা কি, আমরা যদি ভালো থাকি তাহলে আমরা আশেপাশের লোকদেরকে ভালো রাখতে পারবো। আমার ভিতরে যদি একটু অশান্তি থাকে, আমি কিন্তু বাসের লোকটাকে শান্ত রাখতে পারবো না বা সুখী করতে পারবো। সেই জন্য এটা খুঁজে প্রত্যেকেই জানে আমার দায়িত্ব কিন্তু আমার, আমাকে আরেকজন খুশি করবে বা সুখী করবে এটা কখনোই হতে পারে। আমাদের এখানে হচ্ছে যে আমাদের আর্ট অফ লিভিং শুধু ফ্যামিলি, মানে আমাদের আর্ট অফ লিভিং এর সঙ্গে না, আমাদের ফ্যামিলি ফ্যামিলি আমাদের দাদা আছেন, আমাদের নিয়ে আসা নিয়ে যাওয়া, আমি জানতাম মানে আমরা তো আছি, আমরা সব ফ্যামিলি একটা, আলাদা কিছু নেই আমাদের। আর মানে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স তো প্রচুর প্রচুর, আমরা বলবো শেষ হবে। আর দাদারা আমাদেরকে এত সাহায্য করে, থ্যাংক ইউ।